वेलकम टू आवर YouTube चैनल। जीके स्पेशल क्लासेस के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें और रोजाना अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह और आज बात करेंगे साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन को लेकर के, जिस प्रकार के क्वेश्चन IAS JPSC का मेंस खास करके और BPSC के मेंस में आने की संभावना है। आपने देखा होगा कि भारत और अन्य दूसरे देशों में चक्रवात का लगातार प्रकोप होता है। साइक्लोन कैसे बनता है आज डिटेल्स में बताएंगे। करेंट इवेंट में भी समझाएंगे कि अमेरिका में फ्लोरेंस हरिकेन का क्या मतलब है, कैसे साइक्लोन की स्पीड तैयार होती है, साइक्लोन कैसे नष्ट हो जाता है और साइक्लोन किस दिशा में जाएगा ये कैसे तय होता है। लेकिन उसके पहले करेंट इवेंट की जो चीज़ें हमारे पास है उस पर बात कर लेंगे कि USA में हरिकेन फ्लोरेंस और कैटेगरी 4 का तूफान है ये, और 2005 में हरिकेन कैटरीना कैटेगरी 3 का तूफान आया था। और ये जो तूफान है अमेरिका का, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। इसके पहले भारत में भी हुदहुद साइक्लोन आ चुका है। आखिर ये साइक्लोन बनता कैसे है, जो सबसे बड़ा और मूल प्रश्न है। चक्रवात और जो समशीतोष्ण चक्रवात है उसमें क्या अंतर होता है। सबसे पहले आपको बता दें कि ट्रॉपिकल जोन जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, और ट्रॉपिकल किसे कहते हैं, 0 डिग्री इक्वेटर से लेकर के 23.5 डिग्री नॉर्थ की ओर, 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के बीच के एरिया को ट्रॉपिकल कहा जाता है। 0 से 30 डिग्री के बीच के एरिया को टॉरिड कहते हैं और 30 से 60 डिग्री को टेम्परेट कहा जाता है। चक्रवात बनने के लिए दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपको जाननी चाहिए। पहला, कोरियोलिस फोर्स। अब आपको लगता होगा कि कोरियोलिस फोर्स क्या होता है। कोरियोलिस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने रिसर्च करने के बाद ये बताया कि पृथ्वी के घूर्णन गति के चलते पृथ्वी में कोई भी चीज़ सीधी रेखा में गमन नहीं करती है, बल्कि उसमें एक डिफ्लेक्शन होता है, एक उसमें ऑटोमेटिकली विचलन होता है। बाद में इसी नियम को आगे बढ़ाते हुए फेरल्स नाम के विद्वान ने कहा था कि कोई भी वस्तु उत्तरी गोलार्ध में यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हमेशा अपना दाहिना मूव कर जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में अपना बायां मूव कर जाती है, बाईं ओर विचलित हो जाती है। यह विचलन जेबलिन थ्रो पर भी लागू होता है, ओलंपिक के शॉटपुट थ्रो पर भी लागू होता है, क्रिकेट के बॉल, फुटबॉल में, सारी चीज़ों पर यह विचलन लागू होता है। लेकिन इसके लिए कोरियोलिस ने एक सिद्धांत दिया और बताया कि कोई भी विचलन कितना होगा, अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन कितना होगा, ये डिपेंड करता है कि वस्तु की स्पीड कितनी है, यानी कि हवा का स्पीड कितना है और कितने डिग्री अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड पर यह घटना घट रही है। इसी सिद्धांत पर यह बताया गया कि विषुवत रेखा पर चक्रवात नहीं बनता है, यानी कि साइक्लोन डज नॉट फॉर्म ओवर इक्वेटर। क्यों? कोरियोलिस ने इसके लिए 2 ओमेगा sin θ का एक फार्मूला दिया था, जिसमें 2 को कांस्टेंट रखते हुए ओमेगा का मतलब था वेलोसिटी ऑफ विंड एंड ऑब्जेक्ट, मतलब जिस वस्तु की बात की जा रही है उसकी गति क्या हो, उसे ओमेगा कहते हैं, और साइन थीटा का मतलब यहाँ पर है लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश रेखा। अब आपको समझाते हैं कि मान लीजिए विषुवत रेखा पर यानी कि 0 डिग्री पर, तो 2 और इनटू यानी कि मल्टीप्लाई कीजिए उसको 2 ओमेगा, और 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा चल रही है, तो 200 पर किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चल रही है, तो 200 लिखेंगे, 2 × 200 किलोमीटर पर आवर एंड इनटू फिर लिखेंगे 0 डिग्री जो है इक्वेटर। तो जब 0 डिग्री लिखेंगे तो अंत में उसका डिफ्लेक्शन अमाउंट 0 ही होगा, क्योंकि 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, तो नो डिफ्लेक्शन इज देयर, डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो उस क्षेत्र में साइक्लोन भी नहीं बनेगा। यही कारण है कि विषुवत रेखा के पास चक्रवात कभी नहीं बनता है। ये कोई चक्रवात बनने के बाद अगर विषुवत रेखा के पास चला भी जाए तो वह कमज़ोर हो जाता है, लेकिन चक्रवात 20 डिग्री में बन सकता है, 24 डिग्री में बन सकता है, और बनने के बाद अगर वो 40 डिग्री की तरफ जाएगा
तो और मजबूत हो जाएगा, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स जो होगा वो उसको ज़्यादा डिफ्लेक्शन करवाएगा और सर्कल ज़्यादा स्ट्रांग बनता जाएगा। अब जो चक्रवात होता है इसके दूसरा कारण है बनने का टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट होना, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस होना। टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब है कि जब स्थलखंड जो है, जो लैंडमास है, वह तेजी से गर्म होता है तो तेजी से ठंडा हो जाता है। समुद्र 6 महीने देरी से गर्म होता है, 6 महीने देरी से ठंडा होता है। तो जब भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो नवंबर दिसंबर के महीना में जब सन की पोजिशन साउदर्न हेमिस्फीयर में होती है, दक्षिणी गोलार्ध में होती है, उस समय भारत का स्थलखंड जो होगा वह इमीडिएट ठंडा हो जाएगा। और जब ठंडा हो जाएगा तो यहाँ पर हाई प्रेशर होगा, जिसको ज्योग्राफी की भाषा में एंटी साइक्लोन कहेंगे। यहाँ पर एक एंटी साइक्लोन बन जाएगा। उस समय बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, ये दोनों स्थान पर जो समुद्र है वह गर्म होगा अपेक्षाकृत, और जब गर्म होगा तो स्थलखंड से हवाएं समुद्र की ओर जाएंगी। चूँकि ये चीज़ें 23 से 24 डिग्री में होता है, तो इसलिए 23-24 डिग्री में कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन जरूर होगा, कुछ ना कुछ विचलन जरूर होगा। अब स्पीड ऑफ द विंड, जहाँ पर समुद्र में हवाएं चल के आ रही हैं, और साथ में कोरियोलिस का फोर्स, तो अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन तय हो गया और वहाँ पर सर्कल बनना शुरू हो जाएगा, और उस सर्कल के चलते चक्रवात फॉर्म हो जाएगा। जब चक्रवात बन जाएगा नवंबर दिसंबर में, उस समय भारत में उत्तर पूर्वी हवाएं बहती रहती हैं, यानी कि नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड होता है, जिसको भारत में लौटती हुई मानसून नाम दिया गया है, रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं, या नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है। ये जो हवा है ये धीरे धीरे बहते हुए ये तमिलनाडु की साइड आती है, तो अगर चक्रवात बनने के बाद तमिलनाडु की ओर आना शुरू होगा तो वो कमज़ोर होने लगेगा। लेकिन अब जो साइक्लोन है, साइक्लोन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होता है, मतलब चक्रवात बनने के बाद अगर वो सर्कल जो है वो बांग्लादेश की ओर चला जाता है तो ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, बांग्लादेश को हिट करेगा। अगर बांग्लादेश को मिस करता है तो बंगाल को हिट कर रहा है। देखिए आप इंडिया के मैप अगर साथ में रखे होंगे तो आप देख सकते हैं, और अगर बंगाल को मिस किया तो आंध्र प्रदेश उड़ीसा को हिट कर रहा है, और उसके बाद फिर दूसरी सर्किल की ओर चला जा रहा है। तो जब चक्रवात, एक तो टेम्परेचर डिफरेंस हुआ, दूसरा कोरियोलिस का फोर्स, ये दो मुख्य कारण होता है। जहाँ जहाँ पर वर्ल्ड में कोल्ड करंट है, यानी कि ठंडी जलधारा है, वहाँ पर कोई भी चक्रवात नहीं बनता है। जैसे कि पेरू के तट के किनारे, पेरू के तट के किनारे कोई चक्रवात फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर पेरुवियन कोल्ड करंट है। अमेरिका में कैलिफोर्नियन कोल्ड करंट है, तो वहाँ भी नहीं बनेगा। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न साइड में वेस्ट ऑस्ट्रेलियन कोल्ड करंट है, तो वहाँ भी नहीं बनेगा कोई चक्रवात। और अरब सागर में सोमाली करंट है, तो वहाँ भी कोई चक्रवात जल्दी नहीं बनता है। जो चक्रवात बन जाता है तो उत्तर पूर्वी हवाएं जब मूवमेंट करती हैं तो वो बंगाल की खाड़ी वाली चक्रवात को उड़ीसा या आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु की ओर लेकर के आती है, और जो चक्रवात अरब सागर में बनता है उसको वो हवाएं पुश करते हुए सऊदी अरब या ओमान के साइड में लेकर के चली जाती है। इसलिए भारत के पश्चिमी तट पर उतना प्रभाव चक्रवात का नहीं होता है। वर्ल्ड में इसी प्रकार का चक्रवात बनने की प्रक्रिया हर जगह पर है, ट्रॉपिकल रीजन में, जिसे ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है। अर्थात वर्ल्ड में अगर देखेंगे तो अमेरिका में जहाँ पर फ्लोरेंस हरिकेन आया है, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको का भाग है। गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास गल्फ स्ट्रीम नाम की गर्म जलधारा है, जिसके चलते वहाँ की पानी गर्म होती है। तो जैसे ही आउटवर्ड विंड डायरेक्शन होता है, और ये लगभग 35 डिग्री के आसपास है, 35 से 40 डिग्री पर है, 35-40 डिग्री नॉर्थ है, तो वहाँ पर डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, और डिफ्लेक्शन होने के बाद में चक्रवात तुरंत तैयार हो जाता है। और जब तैयार हो जाएगा तो जैसे ही सन की पोजीशन दक्षिणी गोलार्ध में होती है, तो सारे विंड बेल्ट जो है वो धीरे धीरे वर्ल्ड में शिफ्ट हो जाते हैं थोड़ा, और जब शिफ्ट होंगे तो उसका मूवमेंट हो जाएगा अमेरिका की ओर, और टेक्सास, लुजियाना, वो सारे राज्य में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव हो जाता है। इसी प्रकार का चक्रवात जो है वो चीन के पास भी बनता है, जिसे टाइफून कहा जाता है, और जापान में
टैफू कहते हैं। फिलीपींस में ऐसा ही चक्रवात को बेजियो नाम दिया गया है, बेजियो। सारे चक्रवात ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ऑस्ट्रेलिया में इसी प्रकार के चक्रवात को विली विली कहते हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात आता है वो विली विली है। भारत में साइक्लोन कहते हैं, बांग्लादेश में धुंध कहा जाता है। अब आपको बताते हैं टेम्परेट साइक्लोन। चूँकि नॉर्दर्न रीजन में अटलांटिक महासागर जहाँ पर है, वहाँ विंड बेल्ट हमेशा डिफर करता है और हमेशा अप और डाउन शिफ्ट करता रहता है। इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि विंड बेल्ट के साथ साथ अगर आप ये देखेंगे कि जो भारत के मतलब जो भारत है और भारत के नॉर्थ में, तो अटलांटिक महासागर के पास में अगर आप देखेंगे तो गल्फ स्ट्रीम ही आगे बढ़ करके नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कही जाती है, जो पूरी पानी को गर्म कर देता है अटलांटिक महासागर का। और वहाँ पर स्टर्ली हवाएं लगातार चलती रहती हैं, पूर्वैया हवाएं चलती हैं, और ये हवा मूवमेंट कराते हुए जो विंड है, ये इस विंड को ब्रिटेन के साइड लेकर के चली जाती है, इटली फ्रांस या स्पेन की ओर लेकर के चली जाती है। और इसके चलते ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा साइक्लोन का असर हो जाता है, जो ट्रॉपिकल के अलावा टेम्परेट साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। इसको डिप्रेशन कहते हैं। ये ज़्यादा बड़ा होगा, और बड़ा इसलिए होगा क्योंकि ट्रॉपिकल जो होगा डिफ्लेक्शन उतना नहीं है जितना टेम्परेट में है। इसलिए टेम्परेट साइक्लोन में क्लाइमेटिक कंडीशन एक एक महीने तक डल हो जाती है, जो चीज़ भारत जैसे देश में पाँच दिन या एक वीक तक ही डल होता है क्लाइमेटिक कंडीशन दिसंबर के महीने में। लेकिन साइक्लोन का जो रेन होता है उसमें कई स्पाइरल बैंड बनते हैं। मतलब जैसे हम जहाँ खड़े हैं, आप सोचिए कि यहाँ पर आई बॉल है जहाँ पर साइक्लोन बना है, तो उस आई बॉल की के इर्द गिर्द बहुत स्पीड होगा और आई बॉल में स्पीड नहीं होगा। तो इसके स्पाइरल बैंड जो निकलते हैं वो क्लाउड होता है। जैसे उसमें निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड हो जाएगा या क्यूमुलो निम्बस क्लाउड हो जाएगा। और ये जो क्लाउड होंगे क्यूमुलो निम्बस या निम्बो स्ट्रेटस, ये स्पाइरल बैंड जिस जिस जोन में जाएगा वहाँ पर तेज बारिश शुरू हो जाएगा, बिजली चमकना शुरू हो जाएगा और लगातार बारिश होता ही रहेगा। कई देशों ने साइक्लोन से एनर्जी निकालने की कला का विकास कर लिया है। जैसे विली विली से ऑस्ट्रेलिया जो है वो इलेक्ट्रिसिटी निकाल लेता है प्रत्येक वर्ष, तो ये भारत भी अगर करे तो काफ़ी इससे फ़ायदा होगा। और अब तो रिमोट सेंसिंग डेटा होता है जिसके बाद कोस्टल बेल्ट में बता दिया जाता है कि चक्रवात बन चुका है या इस स्पीड से हवाएं आ रही हैं। इसके लिए बीफट स्केल नाम का एक स्केल है, बीफट स्केल, और उसमें सबसे लास्ट जो होता है स्पीड हवा की 75 माइल से अधिक पर आवर में, और ये किलोमीटर में लगभग 125 किलोमीटर हो जाएगा प्रति आवर, तो उसको हरिकेन बोलते हैं। ये सबसे तेज होता है। ऐसा ही एक चक्रवात टॉर्नेडो नाम से अमेरिका में आता है, जो ज़मीन के अंदर होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। उम्मीद है कि ये आपको बेसिक जानकारी और कॉन्सेप्चुअल समझ में ज़रूर आया होगा। चक्रवात को आज बहुत आसान वे में हमने कोशिश किया आपको बताने का। और बेसिकली देखिए, ये प्रेशर सिस्टम होता है। जैसे कि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। अब आप सोचिए कि ये जो है ये ज़मीन है और ये महासागर है, तो ये जब गर्म होगा तो यहाँ पर लो प्रेशर होगा और ज़मीन उस समय में हाई प्रेशर होगा, तो यहाँ से हवाएं मूवमेंट करके यहाँ आएंगी और ये हवाएं स्पाइरल बैंड के रूप में मूवमेंट करना शुरू कर देगी और इसी से तेज साइक्लोन आना शुरू हो जाता है। तो हमारे साथ आप ऐसे ही जुड़े रहिएगा और जो नए नए हम तथ्य होगा आपको बताते रहेंगे। और साथ में आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ऐसा ही वीडियो अगर लगातार आप देखना चाहते हैं तो। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें और हमें ज़रूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। थैंक यू।